आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। बाहुबली अवतार वाले मुख्यमंत्री के वीडियो पर विवाद हो गया है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी से इसकी शिकायत की गई है। वीडियो पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की गई है। उत्तराखंड इतना हल्का नहीं कि सीएम उसे कंधे पर उठा ले, कहना है बीजेपी का। फेसबुक यूट्यूब पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। साधु के अवतार में पीएम मोदी भी वीडियो में दिखाए गए हैं। वीडियो के अंत में कांग्रेस को वोट देने की अपील की गई है। धार्मिक संगठनों को भी हरीश के बाहुबली अवतार पर एतराज है। इस मुद्दे पर बीजेपी मुख्य निर्वाचन आयुक्त से दोबारा शिकायत करेगी। तो उत्तराखंड इतना हल्का नहीं कि सीएम उससे कंधे पर उठा लें, कहना है बीजेपी का। आप उस वीडियो को देख रहे हैं जो इन दिनों वायरल हो रहा है। तो वीडियो पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की गई है। हरीश रावत को बाहुबली इसमें असल में दिखाया गया है। उत्तराखंड को अपने कांधे पर उठाते हुए नजर आते हैं हरीश रावत। इसमें तस्वीर आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और सीधे रुख करेंगे इस वक्त देहरादून का। मेरे सहयोगी प्रशांत राय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, इस वीडियो को देखने के बाद आपत्ति उठाई है बीजेपी ने, अगला कदम बीजेपी का क्या होगा? क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई अभी तक हमको रिएक्शन मिल पा रहा है? कोई कार्रवाई होगी क्या? देखिए घनश्याम, अभी इलेक्शन कमीशन से दोबारा बीजेपी के नेता मुलाकात करने जा रहे हैं। आज 3 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलेंगे बीजेपी के नेता, और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। जिस तरह से सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है, इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने इस विज्ञापन को जारी किया है, जिन लोगों ने ये प्रचार जारी किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि बीजेपी नेताओं का यह साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री को उसमें नायक के तौर पर दिखाया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री और अन्य जो बीजेपी के नेता हैं उन्हें कहीं ना कहीं खलनायक के तौर पर इस वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो इसलिए बीजेपी की यह आपत्ति है कि उत्तराखंड को इतना हल्का राज्य नहीं है कि उसे मुख्यमंत्री अपने कंधे पर लाद लेंगे, और वो इस तरीके की उनकी छवि भी नहीं है जिस तरीके की इस वीडियो में दिखाई जा रही है। तो बीजेपी की आपत्ति है कि कहीं ना कहीं निजी तौर पर प्रहार किया जा रहा है पीएम मोदी पर, बीजेपी के नेताओं पर, इसलिए इस वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाए और साथ ही साथ उन लोगों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस वीडियो को तैयार किया है। जी घनश्याम जी, प्रशांत। और हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबा हटयोगी जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले योगी जी, यही मैं जानना चाहूंगा, इस वीडियो को देखकर क्या रिएक्शन है? जिस भूमिका में हरीश रावत नजर आ रहे, चलिए बात करने की दोबारा कोशिश, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन प्रशांत, ये जो वीडियो दिखाया गया, इसकी तरफ से कांग्रेस क्या कह रही है? क्या ये कांग्रेस ने ही प्रमोशन वीडियो बनाया है, या फिर उनके किसी कार्यकर्ता ने ये अति उत्साह में आके वीडियो जारी कर दिया है? कांग्रेस का स्टेटमेंट क्या है इस पर? देखिए कांग्रेस साफ तौर पर इस पर कुछ नहीं कह रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये मुख्यमंत्री के समर्थक हैं, मुख्यमंत्री के चाहने वाले लोग हैं, जो उनके लिए इस तरीके के वीडियो बना रहे हैं। वीडियो किसने तैयार किया है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि लोग शेयर कर रहे हैं इस वीडियो को। हालांकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी शेयर कर रहे हैं इस वीडियो को, लेकिन किसने इस वीडियो को जारी किया है इस संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। कांग्रेसी नेता इस वीडियो के विषय में यही कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का प्रमाण है, उनके जो समर्थक हैं वो उन्हें इस रूप में देखते हैं, और इसीलिए सोशल मीडिया पर इस तरह से पेश किया गया है। कांग्रेस ने ठीक है। प्रशांत, बाबा हटयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त अखाड़ा परिषद से। योगी जी, स्वागत बहुत बहुत। बाबा जी, सबसे पहले ये बताइए, इस वीडियो को देखकर क्या मन में जहन में ख्याल आता है? ये किस तरह का वीडियो है? आपने देखा होगा। हाँ हाँ, वो बहुत ही यानी कि अपमानजनक वीडियो प्रसारित हुआ, पूरे उत्तराखंड को अपने कंधे जैसा दिखाया है जी। और ये हरीश रावत जी की फितूर है कि वो पहले लोगों के अंदर घुसते हैं और फिर अपमान करते हैं। वो भगवान का ही अपमान नहीं है, भगवान के साथ साथ हरीश रावत जी ने संतों का भी अपमान किया है। और उसके में अगर वो मुझसे किसी बार का अगर प्रमाण मांगेंगे तो मैं प्रमाण देने के लिए भी तैयार हूँ कि कहाँ संतों का अपमान किया हुआ है। तो अब अखाड़ा परिषद क्या करने जा रहा है? अखाड़ा परिषद भी क्या शिकायत करेगा इसकी? क्या अखाड़ा परिषद भी क्या इस वीडियो की शिकायत करने जा रहा है?
नहीं, अखाड़ा परिषद तो क्या, अखाड़ा परिषद से तो आपको बता दूं, मैं तो आजकल अखिल भारतीय संघ समिति का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। अखाड़ा परिषद तो आजकल वो हमारे ये है, तो मैंने वो दे दिया है इन लोगों से, लेकिन अखिल भारतीय संघ समिति की तरफ से मैं बात करता हूँ। और इस तरह की जो आ रहे शिकायत करने से तो क्या होगा, लेकिन हम जनता को कहेंगे कि ये आदमी जो भगवान को धोखा दे सकता है, भगवान का नहीं होता है, संतों को साथ लिया, संतों ने सांसद बनवाया, संतों ने मुख्यमंत्री बनवाया, और मुख्यमंत्री बनाने के बाद संतों का ही अपमान किया इस बंदे ने। और आप देखिए पूरे उत्तराखंड को किस तरह से बाहुबली बन के जो है और इस तरह से दिखाया गया है उस वीडियो में। ठीक है, तो आप कह रहे हैं संतों का अपमान है, इसके लिए आवाज बुलंद की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, समाचार प्रेस से बातचीत करेंगे। सुबोध उनियाल हमारे साथ जुड़े हैं। उनियाल साहब स्वागत है आपका। सर ये वीडियो आपने देखी क्या? हाँ मैंने सुना तो है। देखिए जो हम लोगों का आरोप था उसी की पुष्टि है। हरीश रावत कहीं पर भी लोकतंत्र की अपमान करने वाले व्यक्ति नहीं है। उन्होंने उत्तराखंड में जब लोकतंत्र को एक तंत्र में बदलने का काम किया और पूरी कांग्रेस उस चक्कर में खाली आज हो गई, सब लोग छोड़ के चले गए, तो वो लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करते, वो बाहुबली बनकर ही काम करते हैं। और ये हमारे अफूसारों की पुष्टि भी है कि ये शरारती तत्व है, गुंडा तत्व है, अपने को बाहुबली समझते हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र में अगर कोई बाहुबली है तो वो जनता है। कहीं ना कहीं जनता का अपमान है, उत्तराखंड का अपमान है। तो इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने पे कोई रिस्पांस मिल रहा है आपको सर? देखिए भारतीय जनता पार्टी का हाईकमांड, प्रदेश हाईकमांड तय करेगा और निश्चित रूप से चुनाव आयोग में मैं समझता हूँ शिकायत करेंगे उसकी। लेकिन इस तरह के वीडियो से क्या वाकई उत्तराखंड की जनता भ्रमित हो जाएगी, इस बात का आभास लगा रहे हैं हरीश रावत? देखिए उत्तराखंड जो है हिंदुस्तान में लिटरेसी रेट केरला के बाद है। यहाँ की जनता ये सब जानती है, हरीश रावत बौखला गए हैं, वो जानते हैं कि उनका अंतिम समय आ गया राजनीति में, तो बौखलाहट में किस तरह की नादानी करेंगे ही करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया सर समाचार पत्र से बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी कह रही है ऑब्जेक्शनेबल है और ऑब्जेक्शन उठाया भी जा रहा है और इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से कर भी दी गई है। संत समाज की जो प्रतिनिधि है वो भी इसे नाराजगी के तौर पे देख रहे हैं। प्रशांत राय मेरे सहयोगी देहरादून से लगातार मेरे साथ बने हुए। प्रशांत, जिस तरह की कॉन्वेंशन पॉलिटिशियन से हो या फिर संतों से हो उसको देखकर यह आभास लगाया जा रहा है कि वीडियो पॉजिटिव कितना होगा हरीश रावत के लिए यह पता नहीं, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट जरूर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए घनश्याम, बाहुबली शब्द जब भी आता है तो वो राजनीति में कोई बहुत पॉजिटिव शब्द नहीं माना जाता। बाहुबली शब्द से हम ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो किसी भी तरीके से राजनीति में लोगों को दबाने का काम करता है, सत्ता में आने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल हुए लोगों को हम बाहुबली की संज्ञा देते हैं। ऐसे में बाहुबली शब्द के साथ जिस तरह से इसको जोड़ा जा रहा है, हालांकि जो फिल्म आई थी बाहुबली उसमें जो कुछ चित्रण किया गया था नायक का, उसको कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश की गई है, लेकिन इस दर्शाने की कोशिश में कहीं ना कहीं सीमा रेखा का उल्लंघन हो गया है, जिसकी वजह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं और बीजेपी भी शिकायत कर रही है, संत समाज भी शिकायत कर रहा है। लेकिन प्रशांत, 16 साल बने हुए इस उत्तराखंड को, लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ स्वामी शिवानंद जी जुड़ रहे हैं। स्वामी जी स्वागत है आपका समाचार प्रश्न में। सबसे पहले यही, आपने वीडियो देखा स्वामी जी, क्या कहना है आपका? वो वीडियो हमें देखा नहीं लेकिन सुना है जी, तो उसके बाद समाज क्या सोचता है? हमारा कहना ये है कि हरीश रावत जी से हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन इनके कुछ कृतियों से हमारा हमारी सहमत नहीं है। वो जिस हिसाब से अपने आप को पेश कर रहे हैं, जैसे वही उत्तराखंड के सब कुछ हैं, वो तो पहले हरिद्वार में गंगा को तो नष्ट कर दीजिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यहाँ जब भी आते थे इन्हीं खनन माफियाओं के बीच वो रहते थे, अब स्पष्ट हो गया कितना जो अवैध खनन हुआ वही कराए, हरिद्वार को नष्ट कर रहे हैं, हरिद्वार के तीर्थ नगरी को नष्ट कर दिए, गंगा को नष्ट कर दिए, समस्त बाग को कटवा दिए। एक तरफ से वो अपने आप को क्या, या जो देव भूमि है क्या असुर के भूमि में बदलेंगे वो? तो हमारा ये कहना है कि कृपया अपने आप को ये इतना ऊंचा मत समझ जाए कि सबसे ऊपर है, वो अभी एक व्यक्त है, एक कम से कम सत्ता में है, कम से कम ये आचरण जरूर करें कि ये देव भूमि की गरिमा का ह्रास न हो। वो उनका प्रत्येक कृत देव भूमि की गरिमा का ह्रास कर रहा है। वो कांग्रेस को नष्ट कर दिए, हरिद्वार को नष्ट कर दिए, अब पूरा उत्तराखंड को ही नष्ट करने में लगे हुए हैं। तो हमारा उनसे कोई व्यक्त का दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारा ये तो जरूर कहना है कृपया वे अपने आप को इतना अहंकारी न समझ जाए, क्योंकि प्रत्येक अहंकार का अंत होता है, भगवान का हार अहंकार ही होता है। तो हम एक संत हैं, इसलिए उनको हम ये करेंगे कि सलाह देंगे कृपया इतने अहंकार में न चले जाए, क्योंकि
क्या धर्मे नीति तावत ततो भद्राणे पश्यति ततो च पत्नान यत च मूलस्तु विनस्ति। कोई यदि अधर्म करता है तो उसी वो बढ़ता है, उसमें उसकी अच्छाई भी दिखाई पड़ती है, ये लगता है वो दुश्मन को जीत भी लेता है, तो उसके बाद का समूल नाश होता है। तो मैं संत होने के नाते उन्हें सलाह देना चाहता हूँ, कृपया इसमें आत्मिक प्रवृत्ति को अख्तियार न करें। जी बहुत शुक्रिया स्वामी जी समाचार प्रेस से बातचीत करने के लिए। तो खुद को इतना ऊंचा ना समझे हरीश रावत की बाकी चीजें उनके सामने गौड़ हो जाए। प्रशांत राय मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए। प्रशांत 16 साल उत्तराखंड को बने हुए इन 16 सालों में क्या लगता है राजनीति की आबो हवा भी पूरी तरीके से बदल गई है? जो बेसिक मिजाज था उत्तराखंड का वो अब दिखाई नहीं देता, ये कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्यों का इम्पैक्ट जबरदस्त ढंग से आया उत्तराखंड में। बिल्कुल घनश्याम, देखिए अगर बात मिजाज की जाए तो इस चुनाव में वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, नेता अपनी ब्रांडिंग पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, पॉलिसीज पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने क्या किया है, भविष्य में वो क्या करने जा रहे हैं, इसको लेकर के वो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बता रहे हैं। अपनी छवि निखारने में, खुद को एक ब्रांड के रूप में जनता के सामने में पेश करने पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो पड़ोसी राज्य में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से ब्रांडिंग वहां हो रही है, उसका असर उत्तराखंड में आया है। लेकिन मिजाज उत्तराखंड का अलग है, यहाँ बाहुबलियों की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो देवभूमि के मिजाज के हिसाब से काम करता है उसे स्वीकार किया जाता है, और कहीं ना कहीं इसे समझने में भूल की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम बातचीत के लिए। लोकसभा चुनाव में देश भर में घूम घूम कर बीजेपी का समर्थन करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव इस बार चुनाव में साइलेंट मोड पर हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के अनुसार इस बार के चुनाव में वो निष्पक्ष हैं और किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं। बाबा रामदेव ने हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर पतंजलि मेगा स्टोर के शुभारंभ पर कहा, उन्होंने आने वाले विधानसभा के चुनाव पर अब सरकार से आतंकी हाफिज सईद के खात्मे की मांग भी की है। पाकिस्तान को खत्म करने के लिए पर्याप्त है, माने पाकिस्तान को बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं, उसके घर में ही ऐसे दुश्मन तैयार हो चुके हैं। माने कहते ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता उसके लिए खुद गड्ढा खुद जाता है। पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में जो आतंकवाद की पौध पैदा की, वो फसल अब उसी को काट रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में जहां पार्टियों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तो वहीं अपने भी परेशानी बढ़ाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। बगावत की आग अगर कांग्रेस में लगी है तो बीजेपी का घर भी इस आग में जल रहा है। ऐसे में पार्टियों ने अनुशासन का डंडा चलाते हुए इन बागियों को पार्टी से निकाल दिया है। घर का भेदी लंका ढाए, चुनाव से पहले बागियों ने किया नाक में दम। बगावत के सुर का राजनीतिक गलियारों में शोर, जैसा कांग्रेस का हाल वैसा बीजेपी का हाल। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, अपनी कश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। जी हाँ, चुनावी समर में राजनीतिक गलियारों से अब यही आवाज आ रही है। दरअसल उत्तराखंड में राजनीतिक दलों का सियासी किला ढहाने की कोशिश विपक्षी कम और अपने ज्यादा कर रहे हैं। बगावत का ये रोग कांग्रेस में ज्यादा है तो बीजेपी में भी कम नहीं है। हालात तो ये है कि कांग्रेस के लगभग 24 बागी मनाने के बावजूद मैदान में डटे हुए हैं, जिससे कांग्रेस की 19 सीटों पर बागी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए परेशानी बने हुए हैं। तो वहीं बीजेपी में भी बगावती कम नहीं, लगभग 18 बागी बीजेपी के गले की फांस बने हुए हैं। हालांकि 4 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर बीजेपी अपने अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ बगावत करने वालों को मनाने में सफल रही है, लेकिन एक बड़ी संख्या है जो दोनों ही पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बनी है। जो लोग पार्टी के नाम पर 5 साल तक अपने को नेता बनाते हैं और उसके बाद जब पार्टी को मदद की जरूरत होती है, सरकार बनाने के लिए उनकी मदद की अपेक्षा होती है, तो ऐसे समय पर वो मदद करने के बजाय पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, बहुत से लोगों को हमने निवेदन किया, अनुरोध किया कि भाई पार्टी के हित में वो अपना नाम वापस ले लें। बहुत उन्हें वापस लिया है, बहुत से लोग रह गए हैं, और जो भी नुकसान या फायदा जो भी नुकसान होगा उसका प्रयास किया जाएगा उसकी भरपाई करने का। अगर अभी भी समय है, चुनाव होते होते भी हो सकता है कुछ लोग पक्ष में नाम वापस लेने बैठ लें तो उसका हमको फायदा होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा असर जितने भी हैं अभी हमारे राइवल कैंडिडेट लड़ रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता मेहनत करेंगे, अपनी मेहनत से चुनाव जीत के आएंगे, और हमें उम्मीद है कि सरकार कांग्रेस की ही बनेगी।
भले ही बीजेपी साफ कह रही हो कि बागियों के खड़े होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनों के ही बगावती बोल चुनाव से ठीक पहले क्या बुलखिलाते हैं ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। आने के बावजूद नहीं माने तभी निष्कासित किए गए, और जो पार्टी संगठन अनुशासन की तो नहीं मानते हैं उनका फिर पार्टी में रहने का भी कोई लाभ होता नहीं है। पार्टी ने पूरा अवसर दिया उनको, सबको आश्वस्त किया कि आपके मान सम्मान की पार्टी रक्षा करेगी। जो मान गए उनके मान सम्मान की रक्षा होगी, जो नहीं माने उनका पार्टी से निष्कासन कर दिया गया। जब घर का भेदी ही लंका ढाए तो भला उससे कैसे पार आए, कुछ यही ख्याल बीजेपी और कांग्रेस के मन में उठ रहे होंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, घर का भेदी लंका ढाए, और ये कहावत उत्तराखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव में सटीक बैठ रही है। जी हाँ, पार्टियों के घर के बगावती ही उनकी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। हालांकि पार्टियों ने उन्हें निष्कासित कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो की है, लेकिन जो वोटों का नुकसान होगा उसको कैसे कंट्रोल करेगी पार्टियां। कैमरामैन रुपेश व पवन रावत के साथ पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस।